कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो इस सीरीज में मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो क्वेश्चन है परसेंटेज के, जो क्वेश्चन है परसेंटेज के, और इसको हम करेंगे सबसे फास्टेस्ट मेथड से और कंसेप्चुअल मेथड दोनों से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 50%। देखो, याद रखना, जब भी रेडियस या साइड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो और एरिया में इंक्रीज परसेंटेज पूछा हो, तो सबसे शॉर्टकट तरीका, इससे शॉर्टकट तरीका पूरे इंडिया में नहीं हो सकता, ये मेरा चैलेंज है। 50% इंक्रीज कर रहा है ना, तो हमने पहला रेडियस मान लिया 100, तो नेक्स्ट रेडियस कितना होगा? 150। ये शॉर्टकट बता रहा हूं, फिर कंसेप्ट भी बताऊंगा। फिर आपको क्या करना है, इस 150 का जीरो हटा देना है, और जो नंबर आएगा, जीरो हटाने का मतलब है इसको 10 से डिवाइड करना है, फिर जो नंबर आएगा इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करोगे तो 225, फिर इस नंबर में से 100 घटा देना है, ये आपका आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं, या अब आप कर सकते हो कितने में, 3 से 4 सेकंड में। कैसे? आपने देखा 50% बढ़ा रहा है, तो आप 150 में तो सीधा आ गए, 150 का जीरो हटाते ही 225 में आ गए, 225 में से 100 हटाते ही 125 आ गए। अगर यही क्वेश्चन होता और वो कह देता 20% इंक्रीज, तो क्या करते आप? 100 से क्या कर देते? 120, 120 का जीरो हटा के 12 का 144 -100, तो कितना आ जाएगा? 44%। समझ आया? इससे फास्टेस्ट मेथड इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि मेरे चैनल का नाम है मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी, तो अब मैं इसके पीछे का कंसेप्ट बताता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कंसेप्चुअली ये कैसे होता है। और एक्चुअल में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा आप ट्रिक से करो, लेकिन जब आप इसे एक दो बार, तीन बार, चार बार कंसेप्ट से कर लोगे ना, तो आपको समझ आएगा कंसेप्ट ही ट्रिक बना रहा है। कैसे? पहली रेडियस मान ली हमने 100, दूसरी रेडियस कितनी होगी? 150। सर्कल है तो पहला एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर का स्क्वायर, मैं भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। दूसरा एरिया क्या हो जाएगा? पाई 150 का स्क्वायर। अब ऑब्वियस सी बात है, एरिया इंक्रीज करेगा तो चेंज इन एरिया विल बी A2 माइनस A1। A2 कितना है? पाई कॉमन ले लिया, 150 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। अब आपको प्रतिशत में निकालना है, क्योंकि आंसर किसमें दिए? प्रतिशत में। तो आपको मैंने बताया था, अगर चेंज इन एरिया परसेंटेज निकालना हो या किसी का भी प्रतिशत निकालना हो, चेंज को तो ऊपर रखोगे, अपॉन में रखोगे पहले वाला, हमेशा पहले वाला क्या है? पाई 100 का स्क्वायर, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100। आपको हैरानी होगी, प्रतिशत का, परसेंटेज का बस इतना ही कंसेप्ट है चैप्टर में, कि परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब देखो, आप चाहो तो एक बार, सॉरी चलो इसे ऐसे रखो, पाई से पाई काट दो, इसको दोनों के नीचे लिख दो, एक बार 150 के नीचे 100 का स्क्वायर, एक बार 100 स्क्वायर के नीचे 100 स्क्वायर, वो वन आएगा, और बाहर 100 हमारा बचा ही है ये वाला, ये जीरो से जीरो कट गया। समझ आया मैं क्या कह रहा था? 50 का 150 करेंगे, 150 का एक जीरो काटेंगे, क्योंकि कंसेप्ट करने के बाद हमें समझ आ गया कि ये वाला जीरो जरूर कटेगा, ये वाला जीरो जरूर कटेगा। आप देखते रहना, 15 का स्क्वायर 225, और नीचे 100 का, 10 का स्क्वायर 100। अब एलसीएम लोगे तो 100 एलसीएम आ गया, 225 -100, और गुणा में 100 चल ही रहा है। अब इस 100 से 100 काट दोगे तो आ जाएगा 125। अब हमें हर बार समझ आएगा कि ये 10 का स्क्वायर 100 बनेगा और ये 100 उधर जाके माइनस होगा, इसीलिए मैं इसका स्क्वायर करने के बाद इससे माइनस कर रहा हूं 100 से। तो मैं बस यही बता रहा हूं, जब इस वाले क्वेश्चन का आप कंसेप्ट बहुत बार कर लोगे, 4 या 5 बार कर लोगे, आप समझ जाओगे कि जो भी दिया होगा इसमें 100 जोड़ना है, फिर उसका एक जीरो हटा देना है इसके वजह से, फिर उसका स्क्वायर कर देना है इसके वजह से, फिर 100 घटा देना है इसके वजह से, और आपको क्या मिल जाएगा? आंसर। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, देखो। ये जो सीरीज है परसेंटेज की, अगर आपने पूरी कर ली तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर सको। पॉज का बटन नहीं है मेरे इस वाले सॉफ्टवेयर में, वरना मैं पॉज करके ऊपर नीचे करता, ठीक है, कोई बात नहीं, आने वाला है।
ये रहा, कहाँ जा रहा है? दिख गया? तुमने कहा रेडियस क्या हो रहा है? रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 1%, हाउ मच परसेंट एरिया इंक्रीज? अब देखना, पहले 100 मान लो, 100 से कितना हो गया 101, फिर मैंने क्या कहा था, इसको 10 से भाग करना है तो क्या देगा 10.1, फिर मैंने क्या कहा था, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो जिसको नहीं आता वो गुणा कर लेना। देखो जरूरी नहीं है कि स्क्वायर करना वो शॉर्टकट ट्रिक से ही कर रहा है, गुणा से भी जल्दी हो जाता है। 10201, तो 102.01, फिर मैंने क्या कहा था, इसमें से 100 घटा देना है, 2.01, समझ आया? एक बार और, पहले 100 मानना है, 1% इंक्रीज हो रहा है तो 101 आ गया, फिर हमने क्या कहा था, 10 से भाग करना है, फिर हमने क्या कहा था, जो आएगा उसका स्क्वायर करना है, फिर हमने क्या था, 100 से माइनस करना है। वरना ये वाला क्वेश्चन आप ले जाते 10 से 15 सेकेंड, और जो इस वाले तरीके से करेगा वो ले आएगा 3 से 4 सेकेंड। अब आप में से कई महात्मा मुझे ये ज्ञान देंगे कि सर आप भी तो ट्रिक से करा रहे हो। बाबू मैं ट्रिक से करा ही नहीं रहा, मैं कंसेप्ट को ही ट्रिक बना दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये समझना अभी आपके बस की बात नहीं, क्योंकि आपके अंदर अंधभक्ति बहुत चल रही है, ठीक है ना? चलो चलो, एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको कराना चाहता हूं इस वीडियो में, वो भी कंसेप्ट लेके आ रहा है बहुत सारे। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, और देखो ऐसा नहीं है, देखो याद रखना, एक क्वेश्चन काफी होता है कंसेप्ट को समझने के लिए। और अगर आप कंसेप्ट नहीं समझो, अगर आप कंसेप्ट नहीं समझो तो चाहे आप 1 लाख क्वेश्चन कर लो, आप गलती करोगे करोगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए की सैलरी 25% मोर देन बी, तो ए की सैलरी का रिलेशन किससे दे रखा है, बी से, तो बी की सैलरी मान लो 100, तो ए की सैलरी कितनी होगी 125। अब क्वेश्चन ये है कि बी की सैलरी ऐसे कितना कम है, पहली बात तो बी की सैलरी कितनी कम है, ऐसे 25 कम है। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है तो बी की सैलरी ए से 25% कम होगी, लेकिन आप ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, वो कह रहा है बी की सैलरी ए से कितना कम है, यानी कि जितना कम है उसे डिवाइड करना होगा जिसके रेस्पेक्ट में पूछे, सॉरी किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ए के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, 25 पंजे 20। अब आपको यकीन नहीं होगा, आप में से कई एग्री करेंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना रखा है, इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना रखा है, चाहो तो मैं भी बना दूंगा, कंसेप्ट में कहोगे तो मैं, कमेंट में कहोगे तो मैं बना के दिखा दूंगा। लेकिन मेरा पर्सनली आपसे सवाल यही है और आपको सजेशन यही है कि भाई जो इतनी आसान तरीके से हो जा रहा है उसके लिए क्यों इतना ताम झाम करना, ठीक है ना? चलो और दिखाते हैं, और दिखाते हैं। ये टी वाला क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। देखो सिंपल सी बात है, इसके लिए दो फॉर्मूले बने हुए हैं, एक रिड्यूस प्राइस का, एक ओरिजिनल प्राइस का, मतलब एक जो पहले वाला प्राइस था और एक जो अब रिड्यूस प्राइस हुआ है। लेकिन उन दोनों फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, और मैं इसे कराता हूं प्योरली कंसेप्ट से। अगर ट्रिक वाला इसे करेगा 4 से 5 सेकंड में तो हम कर देंगे 10 से 12 सेकंड में, तो इतना इशू नहीं है। अभी मैं करूंगा तो थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, फिर मैं आपको पैरेलली ये भी दिखाऊंगा कि आपको पेपर में इसे लिखना कैसे। देखो हमने मान लिया पहला प्राइस है x रुपीज पर किलोग्राम, ये पहला प्राइस है। अब प्राइस में 10% की कमी हो गई है, तो देखो x में से घटा दो x का 10%, तो 9x/10 आ गया नया प्राइस। तो नया प्राइस क्या आ गया, 9x/10 पर किलोग्राम, वो 2250 रुपए में, मतलब 22,500 रुपए में। पहले भी वो 22,500 रुपए खर्च कर रही थी, कर रहा था, अभी भी वो 22,500 रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन अब वो ना 25 किलोग्राम ज्यादा चीनी खरीद पा रहा है, चाय पत्ती। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो सबसे पहले, और ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अब मुझे समझ के बताना। चीनी का प्राइस या चाय पत्ती का प्राइस 40 रुपए पर किलोग्राम है, और आपके पास 200 रुपए है, तो आप कितने कितने किलोग्राम चीनी खरीद सकते हो, 5 किलोग्राम। तो बस यहां कितनी चीनी खरीदी जा सकती है, 22,500 बटे x, यहां कितनी चीनी खरीदी जा सकती है, 22,500 बटे 9x/10, सही है। अब ये वाली चीनी 25 किलोग्राम ज्यादा है, तो मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 25 आएगा,
तो 22,500 बटे 9x, और ये 10 ऊपर चला जाएगा, माइनस 22,500 बटे x किसके बराबर आएगा, 25 किलोग्राम के। यहां से अब देखो कैलकुलेशन को कैसे करते हैं, 22,500 बटे x कॉमन ले लो, 22,500 बटे x कॉमन ले लिया, 10/9 माइनस 1 इक्वल टू 25, तो 22,500 बटे x 1/9 इक्वल टू 25, 25 से जाएगा निम्न, 25 निम्न 9 से जाएगा 100, तो x बराबर 100, यानी कि x 100 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लिया करो, क्वेश्चन में पूछा रिड्यूस प्राइस, और रिड्यूस प्राइस क्या है, 9x बाय 10, दैट इज 9x की जगह 100 बाय 10 यानी कि 90। अब आपने इनमें से कहीं कहेंगे कि सर इसमें तो बहुत समय लग जाएगा हमारा, 4 मिनट, 5 मिनट, 50 मिनट लग जाएंगे। अब पेपर में अगर ये आएगा और आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से वेरीफाई हो गया, तो आप इसको कैसे करोगे देख लो, आप ऐसे करोगे, आपको समझ आ गया कि ये एक्स हुआ या 9x बाय 10 हुआ, ये मन में हुआ, ये लिखना नहीं है, और 25 किलोग्राम फालतू हो गए भी पता चल गया, तो आप डायरेक्ट यहां से लिखोगे 22,500 बटे 9x इंटू 10 माइनस 22,500 बटे x इक्वल टू 25। अब बस इसे सॉल्व करोगे, यू विल गेट आंसर, समझे, तो ये आपको 10 से 10 और आप ज्यादा हो तो 15 सेकंड में आंसर ला देगा, जो कि बहुत सफिशियंट टाइम है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसे ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट पाने के लिए, कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत कुछ आपके लिए करना चाहता हूं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि इस चैनल को कितना सपोर्ट मिलता है।